सो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिल्मी फॉरएवर पर। अब दोस्तों, जितने भी ऋतिक रोशन ग्रीक गॉड के फैन हैं, जितने भी जूनियर एनटीआर के फैन हैं, जितने भी डायरेक्टर अयान मुखर्जी के फैन हैं, वायरस स्पाई यूनिवर्स के फैन हैं, उन सभी के लिए बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। क्योंकि अभी दोस्तों वॉर 2 मूवी से निकलकर एकदम ऑफिशियल उसकी शूटिंग की न्यूज आ चुकी है कि वॉर 2 की ऑफिशियल शूटिंग कब से स्टार्ट होगी, ऋतिक रोशन कब से फर्स्ट डे शूट पर जाने वाले हैं, जूनियर एनटीआर वॉर 2 के सेट को कब से ज्वाइन करने वाले हैं। और ये बिल्कुल भी सोर्सेस से निकलकर फेक न्यूज नहीं, बल्कि एकदम क्रिटिक्स के द्वारा ऑफिशियल न्यूज आ रही है। तो चलिए आपको वॉर 2 से रिलेटेड सभी चीजें डिटेल्स में बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें, ट्विटर हैंडल यानी कि एक्स पर एक बहुत ही बड़ा पेज है पिंक विला, और पिंक विला के एक बहुत ही बड़े क्रिटिक्स है हिमेश। तो हिमेश की तरफ से एकदम ऑफिशियल न्यूज निकल कर आ रही है कि जो वॉर 2 मूवी की शूटिंग है वो 23 फरवरी यानी कि 23 फरवरी से स्टार्ट की जानी है। 23 फरवरी को वॉर 2 मूवी का शूट डे नंबर 1 होने वाला है, और 23 फरवरी को ऋतिक रोशन अपना फर्स्ट शॉट देने वाले हैं वॉर 2 मूवी के लिए। अब अगर हम जूनियर एनटीआर की बात करें तो नेक्स्ट मंथ में जूनियर एनटीआर की 5 अप्रैल को देवरा मूवी को रिलीज होना है, और जब वो देवरा मूवी से पूरी तरह फ्री हो जाएंगे यानी कि 5 अप्रैल का दिन निकल चुका होगा, कम से कम 6 अप्रैल या 10 अप्रैल तक आ चुके होंगे, तब जाकर जूनियर एनटीआर हमें वॉर 2 मूवी के सेट को ज्वाइन करते हुए दिखाई देने वाले हैं। क्योंकि अभी जूनियर एनटीआर का जितना भी फोकस है वो अपनी न्यू और अपकमिंग मूवी देवरा के लिए है, लेकिन 10 अप्रैल जैसे ही 5 अप्रैल को मूवी रिलीज होगी, पूरी तरह से जूनियर एनटीआर वॉर 2 के सूट से जुड़ते हुए नजर आएंगे। इसके बाद दोस्तों हमें ऋतिक रोशन प्लस जूनियर एनटीआर एक ही फ्रेम में शूटिंग करते हुए नजर आने वाले हैं। वहीं दोस्तों बता दें, वॉर 2 मूवी को रिलीज होना है 14 अगस्त 2025 को, यानी कि आज से ठीक 1.5 साल का समय पड़ा हुआ है। लेकिन 1.5 साल पहले जो वॉर 2 मूवी की हाइप है उसके क्या ही कहने, जो वायरस स्पाई यूनिवर्स की 6th फिल्म होने वाली है वॉर 2, उसकी हाइप बाकी सभी वायरस स्पाई यूनिवर्स की मूवीज से कई ज्यादा गुना बड़ी हुई है। क्योंकि दोस्तों हर रोज ट्विटर यानी कि एक्स हैंडल पर हैशटैग वॉर 2 ट्रेंडिंग पर आ जाता है, हैशटैग ऋतिक रोशन ग्रीक गॉड जूनियर एनटीआर अयान मुखर्जी वायरस स्पाई यूनिवर्स जमाने भर के हैशटैग ट्रेंड करने लगते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि वॉर 2 का डे 1 का जो नेट कलेक्शन है वो बड़े ही इजीली तरीके से 100 करोड़ प्लस का आने वाला है, और इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन डे 1 में ऑलमोस्ट 200 करोड़ को भी पार कर सकता है। क्योंकि जो जूनियर एनटीआर है वो साउथ में भरपूर कलेक्शन करेंगे, और जो ऋतिक रोशन है वो नॉर्थ में कलेक्शन करने वाले हैं। तो दोनों लोगों का मिलाकर डे 1 में ये मैक्सिमम 200 से 250 करोड़ के मिड में वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करते हुए नजर आ सकती है। और वॉर 2 मूवी इंडिपेंडेंस डे पर रिलीज हो रही है एक दिन पहले, इसलिए फर्स्ट डे में ये फर्स्ट डे का कलेक्शन बहुत ज्यादा करेगी। सेकेंड डे इसका इंडिपेंडेंस डे होने वाला है फ्राइडे का दिन, तो सोचिए इसकी कलेक्शन कितनी ज्यादा आएगी। थर्ड डे जो तीसरा दिन जो होने वाला है वो जन्माष्टमी का दिन होने वाला है, यानी कि 16 अगस्त सैटरडे को जन्माष्टमी होगी, उस दिन ये बॉक्स ऑफिस को फाड़ देगी। और चौथा दिन जो होने वाला है 17 अगस्त 2025, वो संडे का दिन है, संडे को एक बार फिर से 200 करोड़ वर्ल्ड वाइड की ये कलेक्शन करेगी। अब आप बताइए आपको क्या लगता है, जो इतनी बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर मूवी है वॉर 2, जब वो 14 अगस्त 2025 को रिलीज होगी तो कितने नए नए कीर्तिमान, कितने नए नए रिकॉर्ड्स बनने वाले हैं। आपको जो भी वॉर 2 से रिलेटेड लगता है हमें कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही मूवीज से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करके रखिए आपके अपने यूट्यूब चैनल फिल्मी फॉरएवर को।